रजनीश पटेल। कहाँ से आए? मैं इंद्रगढ़ कन्नौज से आया हूँ। किसने भेजा आपको? मुझे मिश्रा जी डॉक्टर ने भेजा। यहाँ आप क्यों आए? यहाँ पे सर मेरे लेखने के रास्ते ब्लड आ रहा है। ब्लड आता है जी ना। और दर्द होता है? दर्द भी होता है। और आपको यहाँ आने के पहले क्या बीमारी थी? यहाँ से आने से पहले मैंने बाबा सिर का ऑपरेशन करवाया था। कब कराया था? 2017 में करवाया था। तब आपकी बवासीर थी? डॉक्टर ने आपको क्या बताया था? जी जी। ऑपरेशन कहाँ हुआ था आपका? ऑपरेशन हुआ था अस्पताल का नाम डॉक्टर नाम ने बताइए, शहर बताइए, किस शहर में ऑपरेशन हुआ? अस्पताल और डॉक्टर का नाम ने बताइए। बर्रा बाईपास कानपुर। ऑपरेशन आपका एलोपैथी में हुआ था? ये हमारा ऑपरेशन एलोपैथी में हुआ था। हाँ जी। अगर ये ऑपरेशन हुआ होगा, भर्ती हुए थे? भर्ती हुए थे, एक हफ्ता भर्ती हुआ था। एक हफ्ते भर्ती रहे थे आप? खून चढ़ाते थे? नहीं, खून नहीं चढ़ाते। एक हफ्ते भर्ती रहे थे, उसके बाद आराम किया? घर में रहते भी आराम किया थे। देखो मैंने एक डेढ़ महीने आराम किया। डेढ़ महीने आराम जी। और आराम के अलावा दवाई चलती रही? सब दवाई बराबर चलती रही। अब आपको क्या दिक्कत होती है खून आने के अलावा? मल्ला आपको कैसा हो, कितनी बार आ जाना पड़ता है? इसमें ब्लड भी आ रहा, मलगम भी आता है। मलगम भी आता है, चंदा बाजार भी आता है जी। लैट्रिन करने कितनी बार जाते हैं? लैट्रिन का 6-7 बार तो दिन में जाता हूँ, 4-5 बार नाइट में जाता हूँ। मतलब जितने घंटे पेट में गैस बनी, दर्द हुआ तो मुझे लैट्रिन जाना ही है। मल आप रोक पाते हैं? सर कभी कभी मतलब नहीं पाता तो निकल जाता है अपने आप जी। गैस में अपने आप ही जलती की जरूर रुक पाती है? गैस निकलती नहीं है। और मल अपने आप निकल जाता है? हाँ, मतलब अपने आप निकल जाता है। जब गैस निकलती नहीं तो मुझे लैट्रिन में आना पड़ता है। आपने भी बताया कि आप मल जो आपके जब लैट्रिन बनी हुई है जो जी उसके पास में सोते हैं? सर मैं तो वहीं पे इसलिए लेटता हूँ कि हमारा थोड़ा दूर पे भी मकान है, वहां से आऊंगा। जब तक मान लो जब पेट में गैस बनती हो सकती रास्ते में कोई दिक्कत हो जाए मुझे, तो इसलिए लैट्रिन हो सकती है मुझे। रास्ते में छूटने डर रहता है जी। तो आप लैट्रिन घर के जो आपका मलाश जो है मल तक सर वहीं पर सोते हैं आप पास? जी हाँ, यहाँ पे मेरी लैट्रिन है जिस मकान में, बाहर मैं वहीं पे लेटता हूँ। वहीं लेटते हो जी। रात को सोते समय मल छूट जाता है कभी कभी गैस के साथ? जैसे ऐसा नहीं है कि रोज, जैसे हफ्ते भर में अगर हो गया। और कभी कभार ऐसा होता है कि रात को सो रहे और गैस बन के मल छूट गया? हाँ जी, होता है। जिन डॉक्टर साहब ने जहाँ पे भी ऑपरेशन हुआ था आपका, उनसे दोबारा मिले कभी? सर मैं मिला था। क्या बोले? डॉक्टर साहब ने हमारा रेफर लिखा था कानपुर पीजीआई के लिए, लखनऊ पीजीआई जी हाँ। तो वहाँ पे हमारा इलाज 1.5 साल का हुआ लखनऊ पीजीआई जी हाँ। फिर वहाँ क्या बताया उन्होंने? ठीक हुआ, उसे आराम आया कुछ? वहाँ पे हमें लगभग 50% आराम मिला कि दवा खाते रहे आराम होता, और जब दवा बंद कर देते तो वही दिक्कत होती थी। दवा के सारे आराम था बस, वो भी थोड़ा बहुत। हाँ जी। और मैं क्या नाम नोएडा थे और लखनऊ दवा लेने जाता। नोएडा में रहते थे जी हाँ, काम करते थे? काम करता था। मान लो गाँव में इतने पैदे होते नहीं है तो पैदे की तो समस्या बहुत ज्यादा होती है। अंदाजा होगा आपको रजनीश की ऑपरेशन में इस समय आपको कितना रुपये लगभग खर्च हो गया होगा? लखनऊ इलाज में कानपुर भर्ती को ऑपरेशन कराया, बड़े बड़े बेड पे आराम किया, एक हफ्ता भर्ती रहे। लगभग हमारा फायदा मतलब और लोकल में भी करवाया था मैंने। छोटे मोटे तो खर्चे नहीं जुड़ पाता है वैसे, लगभग कुछ ना मोटा मोटा लगभग अंदाजा लगभग मोटा मोटा हमारे ख्याल से 1.25 लाख के ऊपर निकल गया होगा। निकल गया होगा, छोटे मोटे खर्चे जोड़ भी नहीं सकते ये छोटे मोटे छोड़ दो। ऑपरेशन जब हुआ था वहाँ कानपुर अस्पताल में 3 साल पहले कितने रुपए लग गए थे ऑपरेशन में भर्ती और किस में ला के? 15,000 रुपए लिए थे। 3 दिन भर्ती में रहते थे? कितने दिन भर्ती रहे थे? मैं 6 दिन भर्ती रहा। 6 दिन एक हफ्ता भर्ती रहते 15,000 रुपये? 15,000 रुपये लिए तब। और ठीक आज तक नहीं हुआ कुछ? नहीं सर, ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, वो मतलब डॉक्टर मिश्रा जी थे कन्नौज में? नहीं, वहाँ जो जहाँ पे मैंने ऑपरेशन करवाया। अच्छा, हाँ मतलब डॉक्टर थे, हम लोगों की थोड़ी जान पहचान है जी। तो क्या बोले डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक ठीक कामना करते हैं, कोशिश करते हैं आपको ठीक हो जाएगा। अपने आप कोशिश करेंगे, पूरी आप दवा लिख रहे हैं आपको दवा के लिए।